एक मैं दावा करन लगा दो अलमा दे दरमियान कुरान ते मेरे हाथ ने जिवे बंदे इमरान खान नू मुर्शिद आखन लग पैन जेड़े इमरान खान नू मुर्शिद आख छड़ देन। कल एक बंदे ने उदू भी अगली गल कर दी है तो वो मेरा ख्याल है वो मामला खराब हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पैगंबर आजम के छेवें खलीफा भी इमाम सादिक ने और साडे इमाम भी इमाम सादिक पैगंबर के छेवें खलीफा ने और साढ़े छेवें इमाम साढ़े हाँ जे सा इमाम होंगे ने वही पैगंबर के खलीफे होंगे और जे पैगंबर के खलीफे होंगे ने वही साढ़े इमाम होंगे जे बारह साढ़े इमाम ने यही पैगंबर आजम के खलीफा ने और अल्लाह के वली ने। मैं जी आयत मजीदा जनाब के सामने पढ़ी है मैं तो मोहतरम सामेन ये आयत वाज़ कर दी है कि हशर की सब तो बड़ी जरूरत का नाँ इमाम है। हशर च बंदिया ने पेश होना है अल्लाह की बारगाह हशर की मैशर की सब तो बड़ी जरूरत का नाँ इमाम है। बंदिया वैसे इन्नी अहमियत नहीं दी जितनी अहमियत नूं कुरान दे रहा जितनी अहमियत इमामत नूं अल्लाह रसूल और कुरान दे रहे ने और दीन इस्लाम दे रहा उन्नी अहमियत बंदिया नहीं दी। एक लफ्ज़ इमाम और एक लफ्ज़ खलीफा ये दोवे कुरान च मौजूद यानी पैगंबर आजम नबी भी ने और रसूल भी ने। उस तो बाद तीन अहदे ने जिन्हों का जिक्र कुरान च मौजूद है नबूवत भी हजूर तो ख़त्म हो गई रिसालत भी हजूर तो ख़त्म हो गई जेडे बाद अहदे ने पैगंबर के या इमामत है या खिलाफत है या विलायत ये तीन अहदे पैगंबर तो बाद पैगंबर तो बाद नबी तो कोई हो नहीं सकता रसूल तो कोई हो नहीं सकता या किसी खलीफा होना है या किसी इमाम होना है या किसी वली होना है। होया ये भी कि त्रैवे लफ्ज़ इतने आम हो चुके हैं जिमें बंदे इमरान खान को मुर्शद आखन लग पैन। मतलब है कि मुर्शद का लफ्ज़ पहले पीरां नाल लगता सी रुशदो हदायत तो मुर्शद है ना जिहड़ा किसी की हदायत कर देता है जिहड़ा किसी रुशद के रस्ते ते लै आउंदा है जिहड़ा हदायत के रास्ते ते लै आउंदा है उन्हूं फिर मुर्शद नाल दिसण पैंदे उहदा मुर्शद कहा जाता। हुण लोग कुछ मुबालगा कर रहे हैं कि उन्होंने मुर्शद कल एक बंदे ने उदू भी अगली गल कर दी है तो वो मेरा ख्याल है वो मामला खराब हो गया। मैं खबर एक पढ़ता सा पा शायद वो ठीक है कि नहीं ये नैट से आई है खबर कि बंदा मार दिता उन्होंने जिन्हें कोई बहुत ज़्यादा वड्डी खिताब दे दिता हज़रत इमरान खान। मतलब ये कि बंदे जिंद तारीफ कर लगते ना जी फिर अगर पिछा नहीं मिलते वो समझते जो है कर दौ जो आ वो आख मेहरबानी करो इंज ना करो कि जो आ वो तो नहीं आख देना चाहिए कुछ लफ्ज़ खास ने जेडे अल्लाह नाल खास है वह अल्लाह नाल रहने देने चाहिए जेडे नबिया नाल खास ने वह नबिया नाल रहने देने चाहिए ने जेडे इमामा नाल खास ने मेरा ख्याल इमामा नाल रहने देने चाहिए ने। बंदे क्यों इंज करते रहे उहदे लफ्ज़ों नूं दिओ उहदे लफ्ज़ों नूं दिओ ये सिर्फ या कम इलमी हुंदी है किबला तो या बंदे का दिल एडा वधिया हुंदा भी जो मर्जी करांगा मैनूं किहड़ा कोई डक सकदा है। मेरे मोहतरम सामईन अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह असां नबी ते मन्निया नहीं किसे एक नूं ही पैगंबर तो बाद जदों असां अली नूं नबी नहीं मन्निया मेहरबानी अली अलैहिस्सलाम नूं नबी नहीं मन्निया तो मेरा ख्याल एक फिर होर किसे नूं असां क्यों मनना है ते किस बुनियाद ते मनना है। रसूल हजूर तो बाद कोई नहीं नबी भी हजूर तो बाद कोई नहीं त्रै उहदे पैगंबर तो किबला बाद है ने वो इमाम है या खलीफा है या वली है या कोई वली हो सकता पैगंबर तो बाद या कोई इमाम हो सकता या कोई खलीफा हो सकता है। लुत्फ है कि तारीख च भी ये त्रै लफ्ज मौजूद ने कुरान च भी ये त्रै लफ्ज मौजूद ने कुरान विच भी मौजूद ने और तारीख च भी मौजूद ने त्रैवे लफ्जा ते गौर करोगे ना तारीख दे वली होर होणगे कुरान दे वली होर तुसी तारीख भी पढ़ लो और किबला कुरान भी पढ़ लो तारीख दे इमाम होर होणगे कुरान वाले इमाम होर होणगे। अच्छा तुसी कुरान पढ़ के वेख लो तारीख वाले खलीफे होर होणगे तारीख वाले खलीफे होर होणगे और कुरान वाले खलीफे होर होणगे। तुहानू मैं मिसाल अर्ज कर देना तारीख च मामू रशीद भी खलीफा है हारू रशीद भी खलीफा है मुतवक्कल भी खलीफा है कुरान मेरे हाथ च कुरान है जेड़ा पहला खलीफा है ना वही अलैह सलाम है। भाई तारीख ते कुरान च मैं फर्क किबला शुक्रिया तारीख ते कुरान च फर्क दस रहा कि तारीख च खलीफा मुतवक्कल अब्बासी भी खलीफा है मुतमद अब्बासी
एक खलीफा गुजरे ने इन्हों खलीफा तुल मुसलिमीन आख्या गया, यह भी खलीफा ने तारीख के मुताबिक कुरान के मुताबिक नहीं, कुरान के मुताबिक पहला खलीफा आदम है वह भी अलैहि सलाम है, दूसरा हारून है वह भी अलैहि सलाम है, तीसरा दाऊद है वह भी अलैहि सलाम है। अली फरमांदे ने बदबख्त है वह बंदा जिहड़ा मैनूं चौथा खलीफा ना मन। चलो बंद मेरे मुँह वालों वेखो मैं की आख्या, तुहाडा ख्याल मैं बूटी पीती। चौथा खलीफा इमाम फरमांदे ने, मेरे इमाम फरमांदे ने, जिहड़ा मैनूं चौथा खलीफा नहीं मनदा उहदी किस्मत च कोई खराबी है, वरना जिहड़ा खुशबख्त बंदा है वह मैनूं चौथा खलीफा मन जांदा है। जिवें तुसीं कुछ बंदे विचों बच्चे हैरान होए ने, उदों भी कुछ बंदे हैरान होए होणगे, वह कहण लगे यार ही तुहानूं चौथा मनना है कि पहला मनना है, फिर मैं पहला आदम नूं मनना है, क्या बात है, दूसरा हारून नूं मनना है, फिर दाऊद नूं मनना है, तो चौथा मैनूं मनना है। जिहड़ा कुरान दे मुताबिक चौथा खलीफा है ना, वह ही तो बिला फसल खलीफा है, पैगंबर तो बाद वो पहला खलीफा है। मेरा दिल करता है कि एक एक लफ्ज़ से मैं कुरान की एक एक आयत पढ़ दिया, पहले खलीफा तो ही एक पढ़ देना, फिर तुहाडा दिल होया तो वलायत भी पढ़ी तो पढ़ दें, दिल होया तो इमाम तो भी पढ़ देंगे। कमाल है वे कि असी जैसे भी लोगों की नज़र च आवान, भाई जो भी है वा सानू तो बंदे सही हो रहे, मुसलमान भी नहीं समझते, जो आपस में बैठे होंगे ना उदो दिल करे सानू मुसलमान भी ना समझ जाए। उंज एक गल है, बंदियां दे घर गूंगा पैदा हो पैना, गूंगा या लंगड़ा लूला, उन्होंने भी गूंगे नूं भी बंदे आके साडे वल को वली हो पिया। इत्थे जिहड़ा नंगा बह रहा है ना, कपड़ा दे लैण जोगा नहीं, बेहोश बैठा है, उन्हें पता ही नहीं मेरे ते कपड़ा है कि नहीं। अदाता साहब के बाहर बंदे लम्मे पै होंदे ने, लोग उत्ते कपड़ा देंदे ने, वह नहीं लेंदे। मैं लंघदिया वेख्या एक बंदा लम्मा पिया सी, लोग उत्ते कपड़ा देंदे सन, तो लाह छड़दा सी। अल्लाह दिया बंदिया नंगे वली नहीं होंदे, जिहड़े ऐबां ते परदा पाण ओह वली हो। क्यों इंज बंदे करदे ने, बंदे गूंगियां नूं वली मन गए, गूंगे वली नहीं होंदे, वली बोले ते नहजुल बलागा बनदी, अपाहज वली नहीं होंदे, जिहड़े अपाहजां नूं ठीक करन ओह वली होंदे। इत्थे सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई, तारीख दे वली होर ने, कुरान दे वली होर ने, तारीख दे खलीफे होर ने, कुरान दे खलीफे होर ने, सानू बंदे काफिर आखण, सानू बंदे मुशरिक आखण, बंदियां दी कड़ी गल है, जिहड़े इमरान खान नूं मुर्शिद आख छड़ देण, सानू भी जो मर्जी आख लैण, बंदियां दी कड़ी गल है, बंदियां दे मूड दी गल है, जिन्हों मर्जी जो मर्जी कह देंदे ने। एक मैं दावा करन लगा, दो अलमा दे दरम्यान कुरान तो मेरे हाथ ने, जिन्हों असा खलीफा मने है उन्हों खलीफा भी कुरान के मुताबिक मने है, जिन्हों असा वली मने है उन्हों वली भी कुरान के मुताबिक मने है, और जिन्हों इमाम मने है उन्हों इमाम भी कुरान के मुताबिक मने।